चान ऑफ टूडे वी हैव जीप ग्रांड शुरू की दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव जीप मॉडल अवेलेबल इन इंडिया और अभी इसमें बहुत सारे डिस्काउंट भी हैं सो so, वो तो एक बात है बट इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं परफॉर्मेंस कैसी है ड्राइव कैसी है आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं सो बिफोर वी स्टार्ट स्पेशल थैंक्स टू श्री साई जीप फॉर हेल्पिंग मी आउट और आपको जीप का कोई प्रोडक्ट देखना है शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है कॉल करिए अपने अपॉइंट कोई दिन गोट कर शोरूम एंड हैव अ लुक लेट स्टार्ट विद द वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले मैं आपको जीप ग्रांड श्रोकी का प्राइस बता देता हूँ सो so, इसका एक्सट्रूम प्राइस है एटी लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ और अभी आपको यहाँ पे 11.85 लाख का डिस्काउंट भी मिलेगा सो दैट मेक्स द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल वेरी अट्रैक्टिव अब किसी भी चीज़ के बारे में बात करने से पहले द साइज ऑफ़ दिस व्हीकल जब आप इस गाड़ी को पिक्चर्स और वीडियोज में देखते हो ना आपको ऐसा लगता है कि यार ये गाड़ी उतनी बड़ी नहीं है बट जब आप इस गाड़ी को सामने देखोगे ना द वित्त द साइज द टायर्स दिस इज अमंगस व्हीकल सामने तो यार बहुत बड़ी दिखती है और तो सामने से अपन स्टार्ट करते हैं सो so फ्रंट में आपको ये अच्छी विथ मिलती है एकदम बोल्ड फ्रंट है जीप की आइकॉनिक ग्रिल है बहुत सारा क्रोम का यूज़ किया गया है सो so यहाँ पर भी क्रोम है नीचे भी आपको क्रोम मिलता है फुल एल हेडलाइट है विद दीस डी आर एल्स जो कि टर्न सिग्नल का भी काम करते हैं उसके बाद यहाँ पे भी आपको ये फॉग लैम्प्स मिलते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं इस गाड़ी में आपको पांच कैमरा मिलते हैं सो वी हैव द 360 सिक्सटी कैमराज बट यहाँ पे एक स्पेशल कैमरा है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद एडास के भी फीचर्स हैं सो so, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं और जो आप इस गाड़ी में एक्सपेक्ट भी करोगे लुकिंग एट द प्राइस यू वेल एक्सपेक्ट सम गुड फीचर्स जो कि आपको इस गाड़ी में मिलते हैं सो दैट्स देयर सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट वेरी गुड अब हम चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स है जो कि एक बढ़िया बात है और यहाँ पे आपको सिंगल इंजन सिंगल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है सो वी हैव अ टू लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि प्रोड्यूस करता है 272 सेवेंटी टू पी एस एंड फोर हंड्रेड एम एम का टॉक इट हैज़ बीन मेटेड टू अ एट स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सो पावर कैसी है पावर डिलीवरी कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे बाकी ये इस गाड़ी का इंजन भी यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है एंड बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल की बात ना ही करें अपन तो बढ़िया रहेगा बिकॉज दिस इज अ टॉप ब्रेड कार टॉप लेवल कार सो यहाँ पे सेफ्टी वगैरह में यार कोई दिक्कत नहीं है इट्स अ टोटली के साइड प्रोफाइल की तरफ साइड से आप लेंथ देखो यार वीडियोज में भले ही छोटी दिखती हो बट रियल में तो यार बहुत मैसेव है द टायर्स द वीर स्लोक्स सोडा मैसेव ऑफ दिस व्हीकल यहाँ पे आपको 20 इंच के या मिलते हैं सो so, मैसेव है यार बहुत बड़े हैं प्रोफाइल के बारे में बात की जाए इंच मिलने वाले है। आगे पीछे, टायर सेम है। आपको में लिंक सस्पेंशन मिलता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकुलेशन मिलेगा आप देख रहे हो बहुत अच्छा आर्टिकुलेशन है सो ऑफ रोडिंग भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है प्रॉपर फोर बाय फोर ऑफ रोडर है ये गाड़ी इट इज अ फुल टाइम फोर बाय फोर सो so, यहाँ पे मतलब आप फोर बाई फोर को डीएक्टिवेट और ये सब नहीं कर सकते इट्स अ फ़ुल टाइम फोर बाय फोर बाकी साइड में भी आपको ये सेंसर्स मिलते हैं यहाँ पे अपने पास क्लाडिंग है यहाँ पे ग्रैंड श्लो के लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पे भी आपको कैमरा मिलता है यहाँ पर क्रोम लाइन का यूज़ किया गया है उसके बाद पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको ये पूरे ईस्टर एग्स मिलते हैं जो कि एक बढ़िया बात है ऊपर की तरफ अपने पास रूफ रेल्स हैं और वहाँ पर आपको शार्क फेना एंटना मिलता है रिया से भी यहाँ पे ना आपको एक टाइट डिज़ाइन मिलता है फ्रंट से ये गाड़ी जितनी बोल्ड दिखती है ना रियर में एक टाइट डिज़ाइन है एकदम ऐसे सब कुछ एकदम ऐसे टाइट हो जाता है सो दैट्स देयर बाकी यहाँ पे अपने पास फुल एलईडी टेल लाइट्स हैं यहाँ पे अपने पास रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर और यहाँ पे भी आपको कैमरा मिलता है जिसके लिए आपको प्रॉपर वॉशर भी मिलता है सो दिस इज़ द फिफ्थ कैमरा इससे आपको वो जो अंदर आई आर वी एम दिख रहा है ना वहाँ पे फीड मिलेगा सो so, वहाँ पे आप इस कैमरा का प्रॉपर फीड ले सकते हो जो कि एक बढ़िया बात है अभी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा सो दैट्स देयर बाकी रियर वाइपर पर वाशर डिफॉल उसके बाद यहाँ पे फोर फोर लिखा हुआ है वहाँ पे लिमिटेड ऑप्शनल सिंगल ट्रेम है नॉट मल्टीपल ट्रेम्स सो सिंगल ट्रेम है बाकी यहाँ पर भी क्रोम का यूज़ किया गया है इज द रियर कैमरा रियर पार्किंग सेंसर्स बाकी पावर टेल गेट है जो कि अपन एक्सपेक्ट करेंगे ही इस गाड़ी से सो यहाँ पे अपने पास पावर टेल गेट है और यहाँ पे आपको इतना ज्यादा एरिया मिलता है यार मतलब देखो ये मेरा हाथ है और ये देखो इतना बड़ा बूट है इतना बड़ा बूट है सो मैसेव सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट सीट्स हैं यहाँ पे आपको एक कवर मिल जाता है बाकी एल्पाइन के स्पीकर हैं सो म्यूजिक के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है और यहाँ पे आपको होक्स वगैरह यहाँ पे भी अपने पास थोड़ा सा एरिया है टी पॉइंट्स हैं यह आपका सेट करने के लिए अगर आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे सेट करना है कि ये कितना ओपन हो तो आप यहाँ से कर पाओगे बाकी यहाँ 12 वोल्ट सो दैट्स देर और आगे की तरफ भी आपको तीथरिंग पॉइंट्स मिलते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको ये स्पेयर व्हील मिलता है जिसका प्रोफाइल है टू फोर्टी फाइव बाई सिक्सटी फाइव आर एटीन सो स्टील व्हील है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है बाकी वहाँ पर टूल किट है एन द स्पेस यार इज़ वेरी गुड यार स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ से देखो ये चीज है जो मैंने आपको बाहर से दिखाई ना बहुत सुंदर दिखती है और वहां पे भी जीप बनी हुई है सो बहुत सारे इस कार में ईस्टर एग्स हैं बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूं सो यहीं से आपको करना पड़ेगा वहां पे बटन नहीं मिलता वहीं पे है सो दिस इज द एक्सटीरियर आपसे लूटली एकदम गैंगस्टर कार है बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ सो so, अंदर की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल यार आपको इतना लग्जोरियस इंटीरियर मिलता है बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे की तरफ आपको हीटेड सीट्स मिलती है सो दीज सीट्स आर हीटेड वहाँ पे बटन है सो so आप इनको हीट कर सकते हो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें सो so यहाँ पे आपको ये ब्लाइंड uh, मिलता है यहाँ पे ये वुड एंड फिनिश है यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट वन टच अप एंड डाउन पावर विंडोज उसके बाद लॉक अनलॉक ये सब आपको सॉफ्ट टच मिलता है डो पॉकेट्स आर गुड एंड ऑफ आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है मेरी हाइट है सिक्स फीट स्पेस वगैरह के मामले में तो यार यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है वी ऑल नो दैट सो स्पेस इज़ वेरी गुड बाकी नीचे भी आपको अच्छा एरिया मिलता है स्ट्रेच आउट करने के लिए अंडर थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ डिसेंट बाकी हेडरूम के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है बाकी यहाँ पे आपको हैंडल्स होक्स यहाँ पे अपने पास लाइट्स हैं एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट मिलते हैं यहाँ पे ब्लोअर्स हैं उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्जिंग के ऑप्शन मिलते हैं सो दो टाइप सी दो यू एस बी यहाँ पे ये एक सौ अस्सी वोट का पावर आउटलेट है उसके बाद यहाँ पे आपको ये बटन्स मिलते हैं फॉर द हीटेड सीट्स सो अगर आपको पीछे की ये दो सीट हीट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये यह हीटिंग का बटन मिलता है विच इज़ कोड और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरिया मिलता है जहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख पाएंगे सेंटर में हल्का सा हम पे से लुकेंगे विथ ऑफ दिस व्हीकल दो अडल्ट या फिर तीन अडल्ट भी अगर आप बैठाना चाहो तो बहुत अच्छी विथ है यार बहुत आराम से बैठेंगे और ये लाइट्स आपको चारों तरफ मिलती हैं जो कि बहुत प्रीमियम लगती हैं सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हो सो ये नॉर्मल है उसके बाद ये रिक्लाइंड है सो आप इनको रिक्लाइन भी कर पाओगे तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है सो दैट्स देयर सेंटर में अपने पास ये ग्रामरेस्ट है विथ ट्विन कप होल्डर्स और उसके बाद यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स हैं लेदरेड अप्री है विच लुक्स वेरी ब्यूटिफुल सो नो इश्यूज विद दैट सो ये इस गाड़ी की सेकेंड रो बहुत ही बढ़िया है एकदम लग्जूरियस एकदम कम्फर्टेबल और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ आप इसका जो फ्रंट का हेडरेस्ट है ना इसको आप ऐसे अलग अलग लेवल पे एडजस्ट भी कर पाओगे सो ये भी आपको यहाँ पे मिलता है बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखाता हूँ सो की फॉब तो यार इतना प्रीमियम है स्क्वायर शेप में है आपको साइड में ये प्रॉपर क्रोम मिलता है यहाँ पे जीप का लोगो है लॉक एन लॉक एंड बूट रिलीज सो so, एकदम प्रीमियम की फॉब है बाकी आ, रिक्वेस्ट सेंसर्स वगैरह आपको मिलते हैं स्टार्ट करते हैं इसके डोज से बट बिफोर दैट यहाँ पे आपको ये ब्लाइंड स्पॉट मोनिटर मिलता है और ये कर्वड आपको यहाँ पे मिलता है सो ये अपना नॉर्मल है उसके बाद ये अल्ट्रा वाइड व्यू है सो so, एकदम आपको प्रॉपर यहाँ पे विजन मिलेगा और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सॉफ्ट टच मिलती हैं जो कि आप इस कार में एक्सपेक्ट करेंगे उसके बाद दो मेमोरी फंक्शन है फॉर द ड्राइवर सीट यहाँ पे अपने पास वार के कंट्रोल्स ये चारों पावर विंडोज़ उसके बाद अच्छी डो पॉकेट्स हैं यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज़ करने के लिए ऑटो हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वहाँ से होड ओपन कर पाओगे एट वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट सो दोनों पावर एडजस्टेबल हैं और यहाँ पे आपको दोनों सीट्स में हीटिंग और वेंटिलेशन दोनों मिलता है यार सो so, हीटिंग भी है वेंटिलेशन भी है बाकी ड्राइवर सीट में आपको मेमोरी फंक्शन मिलते हैं विच इज अ गुड थिंग एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ कार के अंदर आते ही कितनी रिफ्रेशिंग फ्रेगरेंस है फ्रेंच वुड फ्रेंच वुड में आपको एक फ्रेंच वुडी फ्रेगरेंस मिलती है जो कि बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है इट कम्स इन द स्पेल प्रूफ पैकेज सो स्पेलिंग वेलिंग की कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी मिलती है सो so, एकदम लास्ट तक इसकी फ्रेग्रेंस आने वाली है एंड दिस विल लास्ट यू टू डेज सो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है ऑलसोज टेन परसेंट डिस्काउंट कूपन सो डिस्काउंट भी अवेल कर लेना बिकॉज दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट फॉर माई साइड बाकी इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि मेरे को एकदम बढ़िया फ्रेगरेंस ऑसम कार के अंदर आती रहे अब जैसे आप इस कार के अंदर बैठोगे यहाँ पे आपको इतनी कमांडिंग पोजिशन मिलती है आप इतना ऊपर बैठे हो पूरा बोनेट विजिबल है और यहाँ पे आपको इतने सारे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं सबसे पहले ओ आरवीएम्स में आपको हीटिंग का फंक्शन मिलता है सो यहाँ पे फॉगिंग वगैरह नहीं होगी उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ अभी आप मिरर को देखो अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिवर्स मोड लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली मेरे को नीचे का व्यू दिखाएगा सो इट बिकम्स वेरी इजी टू पार्क दिस व्हीकल सो so, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटेलिजेंट फीचर्स मिलते हैं और फिर उसके बाद जैसे मैं इसको पी में डालता हूँ या फिर डी में डालता हूँ तो ये वापस नॉर्मल हो जाता है सो so, एकदम यार स्मार्ट कार है उसके बाद जैसी देखो मैं बंद कर रहा हूँ सीट पीछे जा रही ताकि मैं एकदम आराम से निकल पाऊँ और जैसी मैं कार को स्टार्ट करूँगा स्टेयरिंग मेरी पोजिशन में आ जाएगा सीट मेरी पोजिशन में आ जाएगी सो so, बढ़िया है लग्जरी है बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से सो यहाँ पर आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलता है इसमें आपको हीटिंग का भी फंक्शन मिलता है सो so, हीटिंग भी है उसके बाद यहाँ पे अपने पास एडास के कंट्रोल्स क्रूज कंट्रोल, कंट्रोल पारे शिफ्टर्स वाइपर कंट्रोल्स इंडिकेटर्स उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स कॉल कंट्रोल्स ऑटो हेडलैम्पस और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टेरिंग मिलता है सो आपको कुछ भी नहीं करना आप ऐसे करके एडजस्ट कर पाओगे और ये मेमोरी फंक्शन के साथ आता है सो आपकी सीट की पोजिशन के हिसाब से मतलब जो भी आप सेट करोगे ना उसमें यह आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे अपने पास इंजन स्टार्ट स्टॉप है अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ सो so, यहाँ पे आपको 10.25 पॉइंट टू फाइव इंचज का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इस सिमिलर यूनिट टू वॉट वी सी एन जीप कंपस बट यहाँ पे ना एकदम ऐसे फ्लैट है सो इट लुक्स मोर प्रीमियम और ये साइड में फिर आपको ये लाइट्स वगैरह भी मिलती हैं सो so, ज़्यादा प्रीमियम लगता है इसमें आपको सबसे पहले ये डिफरेंट व्यूज मिलते हैं सो so, ये अलग अलग व्यूज़ हैं आपको जो भी चाहिए सो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लो उसके बाद यहाँ पे आपको टी मिलता है बैटरी वोल्टेज उसके बाद ऑडियो वगैरह उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑफ़ रोड के मोड्स हैं सो so, ऑफ रोडिंग में अगर आपको कुछ देखना है तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे ये देखिए सो पेच रोल व्हीकल डाइनमिक्स ये सब चीज़ें हैं फिर ट्रिप इन्फो व्हीकल इन्फो एडास के फीचर्स अप डिस्प्ले सो so, बहुत सारी चीज़ें हैं एकदम भर भर के फ़ीचर्स और बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम बाकी यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो ये दिख रहा है यहाँ पे अपने पास प्रॉपर अप डिस्प्ले इट्स नॉट लाइक द वन वी सी इन मारुति सुजुकी ये प्रॉपर हेडस अप डिस्प्ले है सो so ये भी आपको मिलता है यहां पे ड्राइविंग uh, के टाइम आप देखोगे बाकी ये सब कुछ सॉफ्ट टच है सो ये सॉफ्ट टच है ये सॉफ्ट टच है यहां पे आपको वुडन फिनिश मिलती है सिल्वर फिनिश वहां पे अपने पास एक प्रॉपर स्क्रीन है अब ये ड्राइवर साइड से विजिबल नहीं है बट जैसे ही मैं यहां पे आता हूँ तब आपको विजिबल होगी सो यहां पे आपको इसका ये बटन मिलता है और फिर इसमें आपको एच अगर आपको कोई वीडियो देखना है कुछ करना है आप यहाँ पे सब कुछ कर पाएंगे टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड बाकी ये ड्राइवर साइड से विजिबल नहीं है ड्राइवर इसको नहीं देख पाएगा को पैसेंजर ही देखेगा सो दैट्स देयर बाकी यहाँ पे अपने पास ऑटो स्टार्ट स्टॉप ये लेन डिपार्चर एंड ऑल ट्रैक्शन कंट्रोल हैजर्ड लाइट्स फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ये स्क्रीन को बंद चालू करने के लिए उसके बाद आपको यहाँ पे 10.1 इंच का ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कापले मिलता है इट्स अ वेरी गुड सिस्टम बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे एंड इफ आई गोइंग टू द व्हीकल सेटिंग्स यहाँ पे आपको ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग मतलब एडास के कंट्रोल्स उसके बाद लेन मैनेजमेंट सो एडास के आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं उसके बाद पार्क सेंस उसके बाद ड्राउजी ड्राइवर अलर्ट इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग के मोड्स सो so यहाँ पे आपको पावर स्टेयरिंग के भी मोड्स मिलते हैं सो नॉर्मल स्पोर्ट एंड कम्फर्ट तीन मोड्स हैं तीनों में स्टेरिंग डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है इफ़ यू वॉन्टेड टू बी वेरी लाइट एंड कंफर्टेबल यू कैन सेट इट एट कम्फर्ट इफ़ यू वॉन्टेड टू बी अ लिटिल हैवी ज़्यादा फीडबैक चाहिए तो आप इसको स्पोर्ट्स में रखो सो so ऐसे करके आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं बाकी यहाँ पे अपने पास एम्बियंट लाइट भी है तो यहाँ पे यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट मिलेगी सो so भर भर के यार फीचर्स हैं उसके बाद यहाँ पे अपने पास डूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और यहाँ पे ये हीटिंग एंड वेंटिलेशन फॉर द ड्राइवर एंड को ड्राइवर हीटेड स्टेयरिंग सो so, यहाँ पे आपको ये पूरे बटन्स मिलते हैं यहाँ से अगर आप चाहो तो स्क्रीन को बंद भी कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे अपने पास दो टाइप सी दो यू एस बी ऑक्स एच डी एम आई एच डी एम आई उसके लिए सो वहाँ पे अगर को पैसेंजर को कोई वीडियो देखना है ना वो 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 वहाँ पर देख पाएगा उसके बाद यहाँ पे ट्वेल्व वोल्ट का सॉकेट है वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे अपने पास मोड्स हैं सो सैंड मार्ड स्नो ऑटो स्पोर्ट सो इट्स अ फुल टाइम फोर बाय फोर सो आपको ना मतलब यहाँ पे कुछ एंगेज डिस नहीं करना है आप या तो इसको ऑटो पे छोड़ दो या फिर अगर आपको कोई मोड सेलेक्ट करना है तो आप कर लो दैट्स so देर बाकी पी आर एन डी बाकी मैं यहाँ पे आपको इसका थ्री सिक्सटी कैमरा दिखा देता हूँ सो so यहाँ पे आपको थ्री सिक्सटी कैमरा मिलता है द कैमरा क्वालिटी इज वेरी गुड आप खुद देख सकते हो सो कैमरा क्वालिटी यार बहुत अच्छी है अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं बाकी यहाँ से अगर आपको पीछे का व्यू देखना है तो वो देख लो नॉर्मल वाला देखना है तो वो देख लो बिकॉज यहाँ पे वो जो कैमरा है ना फिफ्थ कैमरा उससे आप देख सकते हो सो so, ऐसे करके आपको अलग अलग व्यू मिलते हैं बढ़िया तरीके से नो इशूज़ विद दैट सो प्रॉपर आपको यहाँ पे 360 सिक्सटी कैमरा मिलने वाला है विच इज़ अ वेरी गुड सिस्टम उसके बाद यहाँ पे आपको ये दो कप होल्डर्स मिलते हैं सेंटर में अपने पास ये आमरेस्ट है विद द सॉफ्ट फिनिश स्टिचिंग इसके अंदर आपको यहाँ पर यह अच्छा खासा एरिया मिलता है ये एलिमिनेटेड भी है उसके बाद अगर आपको इतना ओपन नहीं करना है तो आप सिर्फ इतना ओपन कर सकते हो सो so, यहाँ पे अगर आपको कोई छोटा मोटा सामान रखना है आप यहाँ पे रख लो बाकी बड़ा सामान रखना है तो फिर यहाँ पे रख लो तो ये चीज़ें मिलती हैं उसके बाद लॉकेबल आपको ग्लव बॉक्स मिलता है इसके अंदर आपको ये पूरी लाइनिंग वगैरह मिलती है इट्स अ डिसेंट ग्लब बॉक्स सो दैट्स देयर बाकी ये वुडन फिनिश वगैरह देखो कितनी सुंदर है अब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोडेमिंग आई आर वी एम है अब यहाँ से अगर मेरे को अच्छा व्यू मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं अगर मेरे को अच्छा व्यू नहीं मिल रहा तो यहाँ से मैं एक बार कार को स्टार्ट करता हूँ ये देखो यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे की तरफ फिफ्थ कैमरा दिखाया था ना फिफ्थ कैमरा का आपको यहाँ पे प्रॉपर फीड मिलता है सो यहाँ से आप मतलब सारी चीज़ें सेलेक्ट कर पाओगे ऊपर नीचे करना है कुछ भी करना है आपको सब आप यहाँ से कर पाओगे ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज डिक्रीज सो वो जो फिफ्थ कैमरा था ना उसका फीड आपको यहाँ पर मिलता है सो आपको पीछे का प्रॉपर व्यू मिलने वाला अगर यहाँ से नहीं दिख रहा तो नॉर्मल भी है बट अगर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये कर लो सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बाकी यहाँ पे अपने पास मिरर है लाइट्स हैं पूरी कार में आपको माइक्स मिलेंगे बिकॉज इस कार में आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलता है सो so, पूरी कार में माइक्स ही माइक्स है वो देखो सो दैट्स देयर उसके बाद यहाँ पे अपने पास ये सनरूफ के कंट्रोल्स लाइट्स उसके बाद यहाँ पे भी आपको मिरर एंड लाइट्स उसके बाद अब मैं इसका सनरूफ ओपन करता हूँ So, अच्छा बड़ा सनरूफ है एकदम पीछे तक ओपन होता है और इसको भी ओपन कर देता हूं अब ये टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी है तो ट्रैक में थोड़ी गंदगी है बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एरिया मिलता है अच्छी वेथ मिलती है एंड द ओपनिंग एरिया इज वेरी गुड बाकी अच्छा बड़ा सनरूफ है दैट्स अ गुड थिंग अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ सो यहाँ पे आपको एट एयरबैग्स So, side -wide ये सब तो ही बाकी यहाँ पे आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए नी एयरबैग मिलता है ई बी डी है जो जो फीचर्स आप सोच सकते हो ना सारे फीचर्स हैं सो so, एडास भी है सेफ्टी के मामले में यार यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है बाकी अब एक काम करते हैं इस कार को ड्राइव करके देखते हैं स्लैच so, गो सबसे पहले अपन इसका हॉर्न सुन लेते हैं फोन तो एकदम हैवी है कैमराज मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया अब यहाँ पे एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ना गेयर सेलेक्ट करना है देखो एकदम ईजी है इट्स नॉट लाइक वॉट वी सी एन लाइक लोअर बजट कास्ट की एक एक करके वो स्लॉट हो वा नहीं ये किया डी ये किया पी और अगर आप आराम आराम से करते हो तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो सो इट्स अ वेरी इजी सिस्टम बाकी इसको स्पोर्ट्स में डाल देते हैं लेट्स लेट्स गिव इट सम गो Oh my god, the power on this thing is absolutely crazy, I was pushed into the seat, that is like the launch was absolutely crazy. So right from 3000 rpm this car gives you peak torque, so right from the start the power is very good. And the main thing with these cars is the gearbox because here you get different ratios, usually in your cars may 5 speed, 6 speed, but here an 8 speed gearbox so because of that the ratios are way better jabab matlab a particular gear demand the ratios can be set according to that so right from the start the pickup is absolutely crazy the way this engine revs the way it gives you power like it becomes so damn aggressive and in the sports mode it holds the gear गेयर को ये होल्ड करके रखता है ताकि आपको आ, अगर एकदम से पावर चाहिए ना तो आपको ये एकदम से पावर देगा सो द पावर इज आपसे क्रेजी बहुत अग्रेसिवली रेफ करता है बहुत अग्रेसिवली ये आपको पावर देता है एंड पावर के मामले में यार यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं ऑल्सो द नोट फ्रॉम द इंजन एकदम यार मजेदार नोट है एकदम स्पोर्टी नोट है सो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के सो पावर इज वेरी गुड नो शूज विद दैट गेयरबॉक्स के बारे में बात की जाए तो वही मैं आपको बता रहा था यहाँ पे अपने पास एट स्पीड गेयरबॉक्स है सो यू कैन सेट द फर्स्ट गेयर एट अ वेरी लो रेंज उसके बाद ऊपर आप सेलेक्ट करते जाओ सो so यहाँ पे ना आपको एक प्रॉपर कस्टमाइज uh, गेयरबॉक्स वाली फीलिंग आती है अपने जो छोटी गाड़ियाँ रहती हैं ना वहाँ पे फाइव स्पीड है सिक्स स्पीड है तो उतना आप कस्टमाइज नहीं कर पाते बट यहाँ पे फर्स्ट गेयर इतना टॉर्की फिर उसके बाद सेकेंड गेयर इट्स बेटर थर्ड गेयर फिर उसके बाद हाईवे के लिए आठवा गेयर सो so ऐसे करके आपको बहुत सारे रेशियोज मिलते हैं जो कि इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा लाइक like एक प्रैक्टिकल बना देता है सेम टाइम बहुत ज्यादा आप इसको अलग अलग टेरेंस में अलग अलग में कर पाते हो सो so हाईवे के लिए आठ गेयर है अगर कर रहे हो, तो फर्स्ट गियर है गियर बॉक्सून एज यू प्रेस दिफ्ट है एक माइक्रो सेकंड का यह पॉज लेता है और वैसे अगर आप नॉर्मली चलते हो तो आपको तो पता भी नहीं चलता कि कब ये गेयर शिफ्ट कर रहा है कब नहीं कर रहा है सो गेयर बॉक्स नो इशूज लाइक दि स्टॉप ब्रेड यहाँ पे ये यह सब चीज़ों की बात करना इज़ लाइक अननेसेसरी बिकॉज द पावर इज़ वेरी गुड बाकी अभी देखो स्पोर्ट्स मोड में है तो होल्ड करके रखा है गैर अब जैसे ही मैं इसको ऑटो में डालूंगा वो एकदम कम्फर्टेबल एकदम रिलैक्स हो जाएगा सो फिर ये मतलब उतना अग्रेसिव नहीं होगा फिर आपको एक स्मूथ ड्राइविंग मिलती है विच इज़ वेरी गुड अब यहाँ पे अपने पास स्टेयरिंग के मोड्स भी हैं मैं आपको स्टेयरिंग के मोड्स दिखा देता हूँ सो लेट मी गो इन टू द सेटिंग्स से देखे अब जैसे अगर मैं इसको कंफर्ट में रखा हूं तो स्टेयरिंग एकदम हल्का है आराम से मैं यूज कर पा रहा हूँ एक हाथ से लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल इतने आराम से मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम अब जैसे ही मैं इसको स्पोर्ट में डालता हूं ना द स्टेयरिंग बिकम्स अ लिटिल हैवी जिसकी वजह से मेरे को ज्यादा बेटर कॉन्फिडेंस आता है ज्यादा फीडबैक आता है मेरे को लगता है कि हाँ यार एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल हो बाकी अगर मैं नॉर्मली बात करूँ स्टेयरिंग लाइट रहता है जैसे से आप स्पीड इंक्रीज करते हो इट वेज ऑफ नाइसली और बढ़िया है यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाकी हाँ यहाँ पे उतना फीडबैक नहीं है बिकॉज बिग साइड वॉल्सेंशन दिस इज मोर ऑफ एंड ऑफ रोड सेंट्रिक कार अमडबू सो दिस इज मोर टूवर्ड्स ऑफ रोडिंग एंड ऑल सोस की वजह से यहां पर उतना फीडबैक नहीं है लाइट नेचर है आप आराम से यूज कर पाएंगे सो नो शूज विथ दैट बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में सो so... ब्रेकिंग इज वेरी गुड मैन वेरी गुड शॉफेड कंसिस्टेंट बाइट कंसिस्टेंट पेडल फील सो so, बिल्कुल भी मतलब आपको वियर्ड फीलिंग नहीं आने वाली है। एकदम कंसिस्टेंट फीलिंग है और आप एकदम आराम से इसको यूज कर पाओगे सो so, ट्रैफिक में या फिर इसको मॉड्यट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब बात करते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी के बारे में सो so, विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज वेरी गुड कहीं पे भी यार मतलब नो ब्लाइंड स्पॉट्स नथिंग यू हैव द क्लियर साइट सो आराम से आप कहीं पे भी देखो नो इश्यूज विद दैट सो बहुत आराम से आप कहीं पे भी मनूवर कर लोगे लाइक लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल आपको कभी भी ये नहीं लगता कि यार मेरे को कहीं देख नहीं रहा या फिर जज करने में दिक्कत है कहीं नहीं एकदम आप आराम से इसको जज कर लेते हो इवन एन ट्रैफिक एंड इन सिटी आप इस कार को बहुत आराम से चला लोगे सो वेरी गुड वेरी गुड विजिबिलिटी ऑल अराउंड बाकी आप बात करते हैं इस गाड़ी के इनविच लेवल्स के बारे में सो so, यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है सो बिकॉज ऑफ दैट मतलब कोई हमिंग का नॉइस नहीं है कोई साउंड नहीं है कोई अननेसेसरी साउंड नहीं है गाड़ी साइलेंट रहती है बाकी यहाँ कभी कभी सस्पेंशन की हल्की आवाज आती है जब आप एकदम से कोई रफ पैच के ऊपर से निकलते हो ना सस्पेंशन का हल्का सा आवाज है सस्पेंशन की तरफ से बाकी आज सच कोई नॉइज़ नहीं है इंजन का एक स्पोर्टी नोट है बाकी तो यार केबिन के अंदर के 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 कोई साउंड नहीं आता सो इट्स अ वेरी साइलेंट केबिन एंड एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है सो so, कोई वियर्ड नॉइजेस नहीं है वो जो कारों में रहता ना हूं बेस और ये सब वो सब नहीं है सो दैट्स वेरी गुड ऑल्सो टेकिंग अ यू टर्न ऑन दिस व्हीकल इज वेरी इजी द टर्निंग रेडियस इज वेरी गुड आराम से टर्न कर ले तो जो मैंने आपको बताया ना दो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज वेरी गुड सो मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं है बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में सो सस्पेंशन हेयर इज ऑन द सॉफ्ट साइड जब आप आराम से चलते हो तो इट्स वेरी कंफर्टेबल बट जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो फिर फ्रंट uh, में तो उतना समझ में नहीं आता बट जब आप पीछे बैठते हो ना तो आपको थोड़ा मूवमेंट समझ में आती है सो दैट्स देयर बाकी इट्स वेरी कंफर्टेबल एकदम से खुदा तो कोई दिक्कत नहीं ऑफ में तो यार ये सस्पेंशन इतना अच्छा है इतना अच्छा है लाइक like, ऑफ में मैं इसको हंड्रेड मार्क्स दूंगा बाकी ऑन रोड में थोड़ा सा मतलब आपको बॉडी रोल वगैरह फील होगा बाकी बॉडी रोल इज़ वेरी वेल कंटेंड ऐसा आपको कभी भी यहाँ पे नहीं लगता कि ओवर बॉडी रोल है कि एकदम ही अति में बॉडी रोल है वैसा नहीं है हल्का सा है वो आपको फील होता है बट इट्स वेरी वेल कंटेंड सो दैट्स अ गुड थिंग बाकी जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो फिर आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट्स मिलने वाली है सो so, एक बात है बाकी नॉर्मली चलते हो ऐसे आराम से चलते हो तो एकदम कंफर्टेबल ड्राइव है नो इशूज विद दैट अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में सो यू कैन ईजीली गेट अराउंड एट किलोमीटर्स पर लीटर इन द सिटी एंड ऑन द हाईवे 13, 14 किलोमीटर्स पर लीटर बिकॉज एज आई टोल्ड यू यहां पे आपको 8 स्पीड बॉक्स मिलता है सो द गर बॉक्स कैन गो टू अ हायर गेयर और फिर आपके आर बहुत कम हो जाते हैं सो so, वही आपको यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सो एट टू टेन किलोमीटर पर लीटर इन दिटी थर्टीन फोर्टीन ऑन द हाईवे सो द माइलेज बाकी द पावर एंड ऑल इज वेरी गुड लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यार यहाँ पे जो फीलिंग है ना एकदम खतरनाक फीलिंग है बिकॉज प्रॉपर बोनेट विजबल है सब कुछ आपको दिखता है और एकदम कमांडिंग पोजिशन है एकदम रगेड uh, फीलिंग है उसके बाद सामने की तरफ अपने पास हेड्स ऑफ डिस्प्ले है विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग प्रॉपर आपको सारी चीजें सामने दिखती हैं और इसका एंगल यार इतना अच्छा है इट्स नॉट लाइक वी गेट इन मारती सो वैसा नहीं है आपको एकदम सामने दिखता है आपके एकदम विजन में रहता है सो so, आराम से आप इसको रीड करिए एकदम सामने विच इज़ वेरी गुड सो ये था इसका ड्राइव एक्सपीरियंस बाकी अब बात करते हैं वर्ड एक के बारे में सो so, आप बात करते हैं कि आपको जीप ग्रांड शिरो की लेना चाहिए कि नहीं सो so, मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कार द ऑफ रोडिंग फील मतलब मैंने आपको ऑफ रोडिंग तो नहीं दिखाया बट ये जो आपको सामने पूरा एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे कल रात को हम लोगों ने प्रॉपर ऑफ रोडिंग करी और यहाँ पे आज तक हम लोगों ने कोई गाड़ी को उतारने का सोचा तक नहीं बट यहाँ पे हम लोग इसको पूरा ऐसे कुदा रहे थे मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स डाल दूंगा सो ऑफ रोडिंग में यार ये कार इतनी केपेबल है उसके बाद यहाँ पे आपको इतना रगेड फील आता है द स्पेस दर इज वेरी गुड और अभी आपको यहाँ पे इलेवन पॉइंट एट फाइव लाख का डिस्काउंट भी मिल रहा है सो दैट मेक्स द ओवरऑल पैकेज वेरी गुड बाकी यहाँ थोड़ा सा ब्लिंग नहीं है यहाँ पे इफ आई कंपेयर इट टू एक्स थ्री और एक्स फाइव और ये सब गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करोगे ना यहाँ पे आपको उतना ब्लिंग नहीं मिलता उतना मतलब एकदम से ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार एकदम कुछ अलग में आ गए वो फील है बट ठीक है पे आपको एकदम आने वाली है विच इज वेरी गुड एंड नाउ विद डिस्काउंट आई सी दिस हेज अ वेरी गुड पैकेज और बाकी फीचर्स वगैरह तो यार एकदम भर भर के हैं यहाँ पे सो फीचर्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है से आप ये था जीप ग्रांड शिरो का रिव्यू आपको वीडियो कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस आई होप लाइक दिस वीडियो उसको लाइक कर देना सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको वीडियो कैसा लगा एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो बाय